फिर मिलेंगे, अगले चैप्टर का टाइटल। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जाती है तो राहुल अंदर की तरफ आता है। अभिनव बोला, भाई मुझे लगा कि आप ट्रेन ही ना छोड़ दें आज। राहुल कुछ नहीं बोलता और अटक कर बैठ जाता है। इधर सनाया भी बड़े भारी कदमों से घर की तरफ निकल पड़ती है। जब एक दूसरे से मोहब्बत बेशुमार होना तो एक पल की दूरी भी सदियों से लगती है। यही हाल था दोनों का। पर कहते हैं ना, दूरी ही बताती है कि रिश्तों की जड़ कितनी मजबूत है, और दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तो राहुल ट्रेन में खामोश सा बैठा रहता है। अभिनव, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? राहुल आंखों में आई नमी को साफ करते हुए, नहीं भाई। अभिनव, क्या हुआ, बोल तो सही ना। राहुल, कुछ नहीं यार, बस जाने क्यों उससे दूर जाने का दिल नहीं कर रहा था। अभिनव, भाई पागल मत बन, थोड़ा टाइम दे इस रिश्ते को, फिर देख आगे क्या होता है। तब तक खुद भी शांत रहे और उसे भी समझा, वो भी रो रही होगी। राहुल, हाँ यार। और फिर राहुल सनाया को फोन करता है। राहुल, हेलो, कहाँ पहुंचे? सनाया, बस घर पहुंचने वाले हूँ। राहुल, ठीक हो ना आप? सनाया, राहुल फिर थोड़ी देर सनाया से बातें करता है और फिर सनाया घर पहुंचकर फोन काट देती है। अभिनव बोला, तुझे कब से इतना प्यार हो गया? राहुल, पता नहीं यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि कब हुआ। कभी नहीं लगा था कि मुझे भी किसी से प्यार हो सकता है। जाने कैसे, जब उससे बात शुरू हुई तो बस प्यार हो गया। उसका हंसना, बच्चों के जैसे छोटी छोटी बातों पर खुश होना, सब अच्छा लगने लग गया यार। अभिनव, ये इश्क है ही कमाल की चीज मेरे दोस्त, ये तो पत्थर दिल को भी इंसान बना दे। राहुल बस मुस्कुरा देता है। अभिनव बोला, चल सही है, मेरे भाई को भी किसी से प्यार तो हुआ, वरना याद है ग्रेजुएशन वाला दिन? राहुल, याद मत दिला भाई, कुछ भी याद नहीं करना चाहता अब तो, एक उसके चेहरे के सिवा। अभिनव और राहुल दोनों मुस्कुरा पड़ते हैं। इधर सनाया भी घर पहुंचती है। आज उसके चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी। दादी, क्या हुआ मेरा बच्चा? सनाया, कुछ नहीं दादी। दादी बोली, बेटा ऐसे परेशान नहीं होते, सब ठीक हो जाना है, फिर तो कभी उससे दूर नहीं होगी। सनाया बस दादी के गले लग जाती है। अगली सुबह ये दोनों भी अपने गांव वापस पहुंच जाते हैं। दोनों फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं और धीरे धीरे 2 महीने का वक्त भी गुजर जाता है और अब नैना सुमित की शादी में बस कुछ ही वक्त बचा था। राहुल, तू क्यों नहीं चल रहा मेरे साथ? अभिनव, भैया काम कौन देखेगा, दोनों दी भी नहीं है, तू जा मैं शादी वाले दिन पहुंच जाऊंगा। राहुल, पक्का आएगा ना? अभिनव, हाँ भाई पक्का। राहुल, ठीक है। और फिर राहुल दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। उधर अमेरिका में वीर, श्रुति, आदित्य और अदिति नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। वीर बोला, तो कुछ छूट तो नहीं रहा ना? आदित्य, नहीं पापा, बस आप लोग निकलिए और मैं 2 से 3 दिन बाद दिल्ली और फिर वहां से गांव आ जाऊंगा। वीर, जिसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो सबसे मिलने के लिए कितना बेताब है, तीनों को ढेरों बातें बता रहा था। इसी बीच सनी का पूरा परिवार आ जाता है। सभी आलोक जी और सरिता जी को प्रणाम करते हैं। सरिता जी बोली, सच बेटा, बड़ी खुशी की बात है कि हमारा बेटा अब वापस अपने घर जा रहा है। वीर, हाँ माँ, अब बहुत दूर रह लिए सबसे, अब वक्त आ गया है वापस जाने का। आलोक जी बोले, हमें भूल मत जाना बस। हाँ वीर, आप सबको कैसे भूल सकते हैं, और अब आप सब भी इंडिया आइए, एक अरसा बीत गया है आप सबको वापस गए। आलोक जी, दोनों बच्चों की शादी में आएंगे, आखिरकार एक अरसा हो गया है अपना वतन देखे। सरिता जी बोले, और फिर हमारी बच्ची की शादी में खूब मजे करेंगे। आदित्य, वो सब तो ठीक है, पर यहां से निकल लीजिए, अदरवाइज प्लेन मिस ना हो जाए। वीर, हाँ ये भी ठीक है, निकलते हैं। वीर फिर सरिता जी और आलोक जी के पैर छूता है और फिर बाकी सबसे मिलकर गाड़ी में बैठ जाता है। सरिता जी बोले, श्रुति बेटा, मन तो बिल्कुल नहीं है दूर जाए तो, पर ये जरूरी है। श्रुति जी, माँ, पर आप जल्दी सबसे मिलेंगे। सरिता जी, बेटा सबसे बड़ी बात वीर को संभालना, क्योंकि एक तू ही है जो इसे संभाल सकती है। पता नहीं वहां सब कैसा रिएक्ट करेंगे, पर इसे संभाल कर रखना, बड़ी मुश्किल से मेरा बच्चा अब दर्द से बाहर आया है। श्रुति, आप बिल्कुल चिंता मत करिए माँ, हम ध्यान रखेंगे। फिर श्रुति सरिता जी के पैर छूती और जब आलोक जी के पैर छूने जाती है तो आलोक जी बोले, नहीं बेटा, आपको कितनी बार बताया है, हमारे यहां बेटियां पांव नहीं छूती, और उसे गले लगा लेते हैं। श्रुति फिर सनी और बाकी सबसे भी मिलती है।
अदिति जिसके चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो अभिनव से मिलने को कितनी बेताब है, वो भी सबसे गले मिलकर गाड़ी में बैठ जाती है। सबकी आंखें नम थी, पर खुशी इस बात की थी कि वीर वापस अपने घर जा रहा है। कुछ ही देर में चारों एयरपोर्ट पहुंचते हैं और आदित्य सबको जल्दी मिलने को कहकर निकल जाता है। ये तीनों भी एयरपोर्ट पर फॉर्मेलिटीज पूरी करके प्लेन में बैठ जाते हैं। वीर और श्रुति सबसे मिलने के लिए एक्साइटेड थे, तो वहीं पर आदिति तो अभिनव से मिलने को बेताब थी। वीर बस सबके बारे में श्रुति से बातें किए जा रहा था और अदिति हेडफोन लगाकर सर पीछे किए गाने सुन रही थी। उधर इंडिया में अभिनव काम से लौटने के बाद छत पर चला जाता है और ड्रिंक करने लगता है। अभिनव वहां खड़े बस शराब के घूंट पर घूंट लिए जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपना फोन निकालकर उसमें अदिति की फोटोज देखने लगता है और उसके चेहरे पर अब और भी ज्यादा दर्द उभर आता है। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अभिनव कितना फरेबी चेहरा छिपा रखा है इस चेहरे के पीछे, ये सिर्फ मैं जानता हूं। तुम तो वाकई बहुत तेज निकली अदिति, इतना प्यार भी भला कोई करता है क्या? और जोर जोर से हंसने लगता है। अगली सुबह राहुल सुमित और नैना के यहाँ पहुंच जाता है। दोनों परिवार ने एक फार्म हाउस बुक किया था और बहुत कम ही लोग को बुलवाया था, तो राहुल सबसे मिलता है और सुमित नैना के संग बातों में लग जाता है। सुमित, भाई अभिनव कहाँ है? राहुल, भाई वो शादी के दिन आएगा। क्यों? राहुल, यार वो काम में फंसा हुआ था। सुमित, नहीं नहीं, जितना मैं उसे जानता हूँ कोई भी काम दोस्त की शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। राहुल, सही कह रहा है, पर चीजें पहले जैसी नहीं रही भाई। नैना, क्यों क्या हुआ? राहुल फिर उसे दोनों को अदिति और अभिनव के बारे में सब कुछ बता देता है। नैना बोली, ये कब हुआ और कैसे हो सकता है ये? राहुल, यही सच है भाई, अदिति ने कई बार फोन किया पर इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और मैंने ये बात इसलिए कही कि अदिति के सामने जिक्र मत करना। सुमित, अरे क्या हो गया? नैना, तुम दोनों ने अपनी बकवास बंद करो, सब ठीक हो जाएगा, महादेव दो प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं करेंगे। राहुल बोला, बस सब ठीक हो जाए, इससे बड़ी बात खुशी की क्या होगी। और तीनों बातों में लगे रहते हैं।